वेलकम बैक गाइस, आज हम बात करने वाले पोकेमोन के स्पेशल एपिसोड पोकेमोन द डिस्टेंट ब्लू स्काई के बारे में। सो मुझे मालूम है कि मैं एक बार फिर से लेट हो गया हूँ वीडियो लाने में, तो हाँ ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पर सेट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों को दूसरे डायमेंशन के एस और पिकाचू देखने को मिलते हैं, और इस एपिसोड में हम लोगों को लग रहा था कि एस के डैड की मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी, और इस फोटो में देखकर सबको लग रहा था कि एस के डैड है, बीच में एस है और साइड में एस की मॉम होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये एस के डैड नहीं है। स्पेशल एपिसोड में एक कैरेक्टर है हारुतो, एंड हारुतो के मॉम एंड डैड ही एस के साइड में खड़े है, एंड वो ही हमें दिखाए गए है। सो अब बात कर लेते हैं एपिसोड के बारे में। तो एपिसोड के स्टार्ट हुआ एक जंगल से, जहाँ पे एस और पिकाचू अपने जर्नी के अंदर मजे कर रहे थे। एस का पिकाचू बाकी पिकाचू के साथ मस्ती कर रहा था, एंड अपना एस स्विमिंग कर रहा था। स्विमिंग करते करते एस को मिल जाता है गैराडोस, और गैराडोस एस के ऊपर हमला कर देता है, पर एस गैराडोस से बचकर पिकाचू को बुलाता है, एंड गैराडोस के साथ एस और पिकाचू बैटल करते है, और एस गैराडोस को कैच भी कर लेता है, पर गैराडोस भाग जाता है। फिर एस को एक ट्रेनर मिलता है और बैटल करता है, और ये बैटल एस और पिकाचू जीत जाते हैं। इसके बाद एस जाता है पोकेमोन सेंटर पे, और पोकेमोन सेंटर पे जाने के बाद एस अपने मॉम से बात करता है, और एस की मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड नजदीकी तुनारी टाउन में आने वाले हैं, एंड मैं भी आने वाली हूँ, और एस की मॉम कहती है कि तुम नजदीक हो तो तुम हमसे मिलने आ सकते हो, एंड यहाँ पर एस कहता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। एंड गाइस यहाँ पे थोड़ा सा चांस बनता है कि एस के डैड रिवील हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड में जाकर फिर एस जाता है तुनारी टाउन की तरफ, एंड वो मिस्टीरियस ट्री के अंदर चला जाता है, यानी कि उस ट्री के नीचे से रास्ता जाता है, एंड उसी ट्री के नीचे से जाता है, और एक रात एस और पिकाचू उसी जंगल में बिताते हैं। फिर बाद में सुबह हो जाती है, एंड एस सो रहा होता है। इतने में लिकी तंग एस के ऊपर लिख करके एस को उठा देती है। फिर एस देखता है कि पिकाचू उसके बाजू में नहीं है, एंड फिर उसके बाद आता है हारुतो, एंड हारुतो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा पिकाचू किधर है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि टीम रॉकेट ने पिकाचू को एक बार फिर से चुरा लिया था, तो टीम रॉकेट से पिकाचू को बचाने के लिए एस जाता है, और टीम रॉकेट अपना डायलॉग बोल रही होती है, तब तक एस अपने पिकाचू को बचा लेता है, और फिर पिकाचू थंडरबोल्ट से टीम रॉकेट को एक बार फिर उड़न चू कर देता है। देन इसके बाद स्टार्ट होता है एस और हारुतो का एडवेंचर। तो एस और हारुतो पूरे जंगल को एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि हारुतो ने एक बार भी किसी भी पोकेमोन को टच नहीं किया था, इसीलिए एस हेल्प कर रहा था हारुतो को पोकेमोन को टच करने के लिए। देन हारुतो एंड एस और पिकाचू बहुत सारे पोकेमोन से मिलते, और ये सब करते करते एस और पिकाचू को बहुत भूख लग जाती है, एंड हारुतो कहता है कि मैं एक अच्छी जगह जानता हूँ जहाँ पे बहुत सारी बेरीज है, एंड उसके बाद उन लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं, एंड वहाँ पे जाते जाते एस को एक घर मिल जाता है, एंड वहाँ पे हमें देखने को मिलता है हारुतो का मॉम एंड डैड, लेकिन हारुतो उनके सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए हारुतो वहाँ से चला जाता है। हारुतो की मॉम एस को देख के बहुत शॉक हो जाती है, एंड यहाँ पे एस कहता है कि मैं यहाँ पे बेरी क्रैक करने के लिए आया हूँ, और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी यहाँ पे है। इसके बाद एस पीछे मुड़ के देखता है तो हारुतो वहाँ पे नहीं होता, हारुतो वहाँ से चला गया है। इसके बाद हारुतो की मॉम बेरीज कलेक्ट करने में एस की हेल्प करती है, एंड एस को कुछ स्नैक्स भी देती है। फिर उसके बाद एस चला जाता है जंगल में, और एक बार फिर एस को मिल जाता है हारुतो। फिर इसके बाद एस हारुतो से पूछता है कि तुम कहाँ चले गए थे, एंड हारुतो कहता है कि मैं एक पोकेमोन का पीछा करते करते चला गया था। इसके बाद एस और पिकाचू स्नैक्स और बेरी खाते है, एंड क्योंकि एस और पिकाचू बेस्ट फ्रेंड है, तो यहाँ पे एस पिकाचू का हर एक बात समझ जाता है। और इसके बाद हारुतो एस से पूछता है कि तुम पोकेमोन की लैंग्वेज जानते हो, और एस कहता है यहाँ पे कि मैं जानता तो नहीं, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ। इसके बाद हारुतो एस को लेके कुछ मंकीज के पास लेके चला जाता है, एंड उनमें से एक मंकी ने हारुतो की कैप पहनी हुई थी, और एस हेल्प कर रहा था हारुतो की कैप लेने में, बट लास्ट में एस को अपनी कैप मंकी को दे देता है, एंड हारुतो की कैप लेकर आता है। इसके बाद हारुतो एस को अपने पीछे पीछे लेके जाता है, एंड एस हारुतो के पीछा करते करते जाता है, एंड एक बार फिर जहाँ पे हारुतो के मॉम एंड डैड थे उस घर में वो चला जाता है, एंड एस के हाथ में हारुतो की कैप देखकर वो दोनों ही बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। फिर इसके बाद हारुतो के मॉम एंड डैड कहते हैं कि हारुतो लास्ट ईयर बीमार होने के वजह से उसकी डेथ हो गई, तो एस को बिलीव ही नहीं हो रहा था क्योंकि एस ने हारुतो को देखा था, बट हारुतो एक गोस्ट था। फिर हारुतो के मॉम डैड हारुतो के बारे में एस को बहुत कुछ बताते हैं कि हारुतो को पोकेमोन बहुत पसंद थे, हारुतो पूरे दिन जंगल में पोकेमोन के साथ खेलता था, और हारुतो को पोकेमोन बैटल भी बहुत
पसंद थी। एंड यहाँ पे जो हारुतो के डैड है वो एक पेंटर है और वो स्काई पेंटिंग करते हैं। इसके बाद एस जो है हारुतो के डैड को हारुतो की फेवरेट पेंटिंग दिखाता है। इसके बाद एस चला जाता है हारुतो के घर से। एंड इसके बाद फिर एस मिलता है हारुतो से और फिर एस हारुतो से पूछता है, क्या तुमने कभी भी पोकेमोन को टच नहीं किया है? देन इसके बाद हारुतो पिकाचू को टच करने की कोशिश करता है पर उसका हाथ आर पार हो जाता है। तो इसके बाद एस हारुतो की हेल्प करता है अपने ओरा पावर से और अपने ओरा पावर से हारुतो को कनेक्ट करके इसके बाद वो पिकाचू को अपने ओरा पावर से कनेक्ट करता है। एंड इसके बाद हारुतो पिकाचू को टच करने में कामयाब हो जाता है। देन एस उस ट्री से बाहर आ जाता है एंड एस को मिलता है रास्ता और फिर एस टुनाली टाउन के लिए निकल जाता है। और टुनाली टाउन में पहुंचने के बाद एस सबसे पहले जाता है पोकेमोन सेंटर पे एंड एस को मिल जाती है उसकी मॉम। एंड एस की मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड कुछ समय पहले ही चले गए, उनको एक अर्जेंट काम याद आ गया। लेकिन एस के डैड एस के लिए गिफ्ट छोड़ गए थे। देन एस को मिलती है एक न्यू कैप जो कि उसके डैड की तरफ से थी। बट अपने ओरिजिनल सीरीज में हमें अच्छी तरह से पता है कि ये कैप एस को कैसे मिलती है। एस को एक कॉम्पिटिशन में बहुत सारे पोस्ट कार्ड सेंड करने पड़े थे और फिर एस वो कॉम्पिटिशन जीत गया था और एस को मिलती है एक कैप। पर इस एपिसोड में थोड़ा सा अलग था क्योंकि दूसरे यूनिवर्स का एस है। और फिर एंड द एंड एस को फिर से भूख लग जाती है एंड एस की मॉम एस को स्नैक्स देती है एंड उसके साथ साथ टीम रॉकेट भी उसके साथ होती है। तो एस की मॉम टीम रॉकेट को भी स्नैक्स देती है। बट स्नैक्स खाते खाते एस अपने डैड को याद करता है और फिर अगले दिन एस और पिकाचू अपने जर्नी पे चले जाते हैं और फिर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड की बात करें तो एपिसोड बहुत अच्छा था और रेटिंग की बात करें तो 7/10। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।